अब जो युवा हैं 18 साल के हुए हैं, वोट बनी है उनकी, क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे, ऐसी अपील करना चाहेंगे कि वोट देना चाहिए, और जो लोग छुट्टी के होने के बावजूद भी वोट नहीं देना चाहते उनको कुछ ऐसा संदेश? देखिए, मैं जितने भी लोग जिनके अभी वोट बनी है 18 साल के पूरे हुए हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा, आपको जो मतदान का अधिकार अब मिला है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने मन मुताबिक अपनी सरकार चुन के लेके आइए, जो आपको काम में अच्छा लगता है, जो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर अपना वोट दीजिए। और सभी युवाओं से मेरी अपील है कि जितने भी युवा हैं अपना वोट ज़रूर दें। अच्छा, सरकार लगातार या विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, मैं चोर हूँ, मैं चौकीदार हूँ या कुछ और भी वैसी बातें, लेकिन सरकार या विपक्ष जनता के उठाए मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं। जनता किन मुद्दों पर वोट देगी ताकि उसका जो है आगे भविष्य अच्छा हो सके? देखिए, जनता के मुद्दे बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और विपक्ष और विपक्ष की लड़ाई अपनी जगह है। ये राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, लेकिन जनता को खुद देखना है कि खुली आँख से कि किसको वोट देना है, किसने क्या काम किया। देखिए, खाली ये सिर्फ एक बंदे का नहीं है, ये सभी लोगों का है, पूरे देश का सवाल है। हमारा देश जहाँ उठ सकेगा, मेरी विचार से उसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो देश के बारे में बात करे, पर्सनली बात ना करे। और विपक्ष और विपक्ष की तो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई तो आपस में चलती रहती है और वो चलती रहेगी। आप किसी भी पार्टी को जिता के संसद में बैठा दीजिए। अच्छा, मैं अगर फरीदाबाद की बात करूं तो यहां पर ऐसे कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिनको जनता चाहेगी कि उनको जो है ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, फरीदाबाद शहर के अंदर मुद्दे बहुत सारे चल रहे थे। अभी जैसे भी स्मार्ट सिटी इसको घोषित किया गया, अभी डेवलपमेंट उतनी नहीं चल पा रही, लेकिन हाँ, अभी फरीदाबाद में देख रहा हूँ काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन बेसिक्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो आम जनता की, सभी देश में वही प्रॉब्लम्स हैं, फरीदाबाद की भी वही प्रॉब्लम है। और सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ प्रॉब्लम जो नज़र आती है, गंदगी। देश हमारे फरीदाबाद में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आप कहीं से भी गुजर जाइए, किसी भी सड़क से, वहाँ आपको गंदगी ज़रूर मिलेगी। जो प्रतिनिधि खड़े होंगे उनसे चाहेंगे कि आप इस पे ध्यान दें, फोकस। हाँ बिल्कुल, गंदगी पे ध्यान दीजिए। फरीदाबाद के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, उस पर ध्यान देना है। और बाकी जो आम जनता की समस्याएं हैं, पानी की, राशन की या दूसरी समस्याएं हैं, उन पे भी करना है, सीवर लाइंस या जितनी भी समस्याएं उन पे भी ध्यान देना है। और जनता भी वो सब चीज़ें देखेगी एक पार्टी में, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है क्योंकि ये अभी ये लोकसभा के चुनाव हैं तो जनता सबसे पहले देश को भी देखेगी।